नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा केवीएस का इंटरव्यू का अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरी उम्र से ही पता लग रहा होगा कि मेरा केवीएस का इंटरव्यू कब हुआ होगा। लगभग 32 साल हो गए हैं जब मैंने अपना केवीएस का इंटरव्यू दिया था। अब तक तो काफी कुछ बदल गया है। मेरे तो इंटरव्यू के समय ही रिटन टेस्ट हुआ था पहले, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो को शेयर करने का या मेरा अनुभव शेयर करने का यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है। आपको सुनकर अजीब लगेगा मेरा जो भी अनुभव है, और वो एकदम 100% सच है। मैं इंटरव्यू देने चंडीगढ़ गई थी, क्योंकि मैंने पंजाब से चंडीगढ़ रीजन से फॉर्म भरा था, तो इंटरव्यू कॉल मेरा चंडीगढ़ से आया था और वहां इंटरव्यू देने गई थी। उस समय मेरा बच्चा 1 साल का था, मेरा बेटा गोद में 1 साल का था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ गए थे पिलानी से, राजस्थान से। पिलानी में मैं जॉब करती थी, वहां से मैं चंडीगढ़ इंटरव्यू देने गई थी। तो पहले तो सबसे पहले जब रिटन टेस्ट के लिए बिठाया, तो इतने सारे कैंडिडेट्स को देख करके, कोई बड़ी उम्र के थे, कोई पीएचडी किए हुए थे, तो थोड़ा सा लगा कि इतने इतने क्वालिफाइड लोग हैं, इतनी उम्र के हैं, हमें कौन पूछेगा। लेकिन जब पता है आपको कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, तो अपना कीजिए, पूरा 100% दीजिए। दिमाग में रखिए कि हमें जो आता है, डरना नहीं है किसी से, घबराना नहीं है, तुलना नहीं करनी है किसी से। आपने टेस्ट दिया, उसके बाद जब इंटरव्यू का नंबर आया, तो मैं एमफिल थी उस समय, मैं अपना डिसर्टेशन भी लेकर गई थी जो मैंने लिखा था, रस दीर्घिका है मेरे डिसर्टेशन का नाम। तो मैं वो लेकर गई, कुछ सीढ़ियां चढ़ के, एक छोटा सा कमरा था, उसमें 3 बंदे बैठे हुए थे केवल। जो भी पूछा उन्होंने, बताया, मैंने उत्तर दिए। क्या पूछा क्या बताया इतने सालों तक याद नहीं रहता। याद है तो केवल एक बात कि मैं जब इंटरव्यू दे रही थी, मुझे नीचे से मेरे बेटे के रोने की आवाज आई। अब मैं थोड़ा सा विचलित हो गई। उनको मेरे चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि इसको कुछ हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ। मेरा बेटा लगता है सीढ़ियों से गिर गया, रो रहा है। तो वो भी नेक पर्सन थे, बोले देखाओ कोई नहीं। मैं आई नीचे, हस्बैंड बोले कि क्या हुआ, हो गया। मैं नहीं, ये क्यों रोया, चोट लगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा इसको कहीं और ले जाओ, इंटरव्यू दे रही हूं मैं। दोबारा से पहुंच गई उनके पास कि हां जी सर, अब पूछिए क्या पूछना है। उन्होंने कुछ नहीं पूछना, हो गया आपका इंटरव्यू, ठीक है। हम तो यही सोचे बैठे थे कि कुछ बता के तो आई नहीं, दिमाग तो बच्चे में पड़ा था, क्या कौन पूछेगा। लेकिन जब 3-4-5 महीने के बाद वो कौन सा लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आया, अब ओहर पोस्टिंग हुई मेरी, और तब लगा कि पता नहीं क्या देखते हैं पैनल वाले। अब तो इतने सालों बाद पता लग गया है कि खुद पैनल में भी बैठते हैं, सब कुछ है, कि क्या देखते हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मासूमियत के साथ, भोलेपन के साथ, चालाकी वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। उम्मीद है मेरे इस अनुभव से आपको कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।